सभी गार्डनिंग के शौकीन मेरे प्यारे साथियों को बहुत ही प्यार भरा मेरा नमस्ते। और देखिए, आज साल के कुछ आखिरी दिनों में से एक दिन बचा हुआ है और सर्दी ने बिल्कुल कहर ढाया हुआ है यहाँ जयपुर में। तो अभी भी पूरा फॉग नीचे उतरा हुआ है और जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में देख ही पा रहे हैं, हम लोग अमरूद के बारे में बात करने वाले हैं आज। सर्दियों का जो हमारा जो मुख्य फल होता है एक तरह से कहा जाए तो हिंदुस्तान का, और बस इसी के बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से पूरी जानकारी साझा करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की जानकारी मिल पाए आपको। तो इतनी प्यारी सी सुबह में, हालांकि कोई भी ऊपर नहीं आ रहा है पर फिर भी मुझे, मेरा तो काम चलता ही नहीं है वो अपनी छत पर आए बिना, तो मैं यहीं पर हूँ और देख रही हूँ अपने अमरूद कितने खूबसूरत आए हुए हैं। बहुत ही बिग साइज़ हो रखा है और टेस्ट वाइज भी बहुत मीठे हैं। कुछ दिनों से हम लोग खा रहे हैं इसके पेड़ के अमरूद। और अगर मैं आपको अमरूद के बारे में बताऊं तो 17th सेंचुरी के आसपास हिंदुस्तान में आया था अमरूद भारत में, और तभी से हम लोगों के लिए एक मुख्य फल का काम करता है जो सभी को बहुत पसंद आता है। और 40 साल के करीब अगर आप पढ़ेंगे कहीं तो इसकी एज मानी गई है पूरी, जिसमें भी 15 साल तक ही बस अच्छी फ्रूटिंग करता है ये, उसके बाद फ्रूट्स की कमी होने लग जाती है। और अमरूद से अगर आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स लेने हैं तो सबसे बड़ी जो बात है ये, इसकी प्रूनिंग आप, बहुत हार्ड प्रूनिंग मांगता है अमरूद फ्रूट्स बनने से पहले। तो जैसे मेरा ये पेड़ जो है 2 साल पहले मैंने लगाया था और साल में 2 बार ये अमरूद देता है, गर्मियों में भी देता है और सर्दियों में भी देता है। तो दोनों बार मैं सीज़न ख़त्म होने के बाद इसकी बड़ी हार्ड सी प्रूनिंग कर देती हूँ। देखो ये टंकी में 200 लीटर की मेरी फ्री हुई थी, उसमें लगा हुआ है छत के ऊपर ही, तो एक तो मैं बहुत बड़ा होने भी नहीं देती इसको क्योंकि छत के ऊपर है तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हो गिरने के और उसके डर रहते हैं। तो मैं बहुत हार्ड प्रूनिंग करती हूँ इसका, बिल्कुल लेवल पे ले आती हूँ इसको फ्रूट आने से पहले। और आप देखिए हर बार ऐसा ही होता है कि ये बहुत अच्छे से बढ़ जाता है और फिर बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी करता है। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अमरूद के पेड़ के लिए, कोई भी फल का पेड़ के लिए, जिसको अगर आपको ज़्यादा फल चाहिए तो प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए उससे पहले, जिससे नई टहनियाँ बने और उन पर अच्छे फ्रूट्स आएँ। बहुत अच्छे साइज़ के फ्रूट्स बने हुए हैं इस बार भी मेरे, तो 2 साल पुराना हो चुका है मेरा पेड़ और 6 महीने पहले से ही ये मुझे ना 6 महीने का था जब इसे मुझे ये फ्रूट्स देने लग गया था। तो अमरूद का पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि बीज से कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अमरूद आप हमेशा एक ग्राफ्टेड बहुत अच्छा सा नर्सरी से लेके आइए, अच्छी क्वालिटी का, और वो लगाएंगे तो आपको जल्दी फ्रूट्स मिलने लग जाएंगे। बीज से काफ़ी लेट हो जाता है और अच्छा आएंगे या नहीं इसका भी कुछ पता नहीं होता। तो ग्राफ्टेड एक लेके आइए अपने नर्सरी से। ये देखिए मेरा रेड अमरूद जो होते हैं अंदर से, उसका ये मैंने नया प्लांट लगाया है बारिशों में अभी, और अच्छा बढ़ने लग गया है ये, इसमें अमरूद भी आने लग गए हैं, पर पहली बार के मैं कट कर दूँगी। तो बस आप लेके आते हैं अगर नर्सरी से एक अच्छा सा पौधा तो 6 महीने साल भर में ही आपको बड़े अच्छे से फ्रूट्स देने लग जाता है अमरूद की। बड़ा हार्डी प्लांट होता है अमरूद, तो और ग्राफ्टेड अगर है तो बहुत जल्दी है ना आपको फ्रूट मिलने लग जाएंगे उससे। और गमलों में भी आप आराम से लगा सकते हैं, 22 इंच का 20 इंच का, थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखेंगे तो अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे, बस यही है। जैसे मैंने ये 200 लीटर की टंकी में लगाया हुआ है अपना, वो रेड वाला भी मैंने 200 लीटर की मेरी टंकी कुछ सीमेंट के ऊपर फ्री हुई थी, मैंने वो फ्रूट्स लगाने के काम में ले लिए। और आप ये देखो, इसको भी मैंने बहुत बड़ा बढ़ गया था, थोड़ी सी नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा हो गई थी मेरे से शायद, तो इतना अच्छे से ये बढ़ने लग गया था, पूरा पेड़ बिल्कुल बन गया था, वृक्ष सा बन गया था छत पे। तो मैंने इसकी प्रूनिंग बीच में ही करी है इस बार, तो लेट विंटर्स में करती हूँ अदरवाइज़ में फ्रूट्स ख़त्म होने के बाद, पर अभी तो मैंने इसको बीच में ही काट दिया। और आप ये देखो इतना फ़ायदा मिला मुझे कटिंग करने के बाद कि साइज़ देखो, उससे पहले अमरूद बहुत सारे आए हुए थे पर साइज़ बहुत बड़ा नहीं हो रहा था, और जैसे ही मैंने इसकी प्रूनिंग करी है उसके बाद देखो आप, सारे अमरूदों का जो थे मेरी बची हुई डालियों पे उन पे इतना अच्छा साइज़ हो गया, बिल्कुल बिग साइज़ के अमरूद हो गए। तो इसका ये भी फ़र्क पड़ता है कि आप, है ना, अगर डालियाँ टहनियाँ बढ़ती चली जा रही है, नाइट्रोजन ज़्यादा दे रहे हो तो उससे है ना आपकी फ्रूटिंग पर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो एक तो सबसे मुख्य जो बात है ये है कि अमरूद को अपने को जो है हमेशा है ना पोटाश और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रिच जो खाद होती हैं वही देनी चाहिए,
नाइट्रोजन वाली जो खाद है अगर आप देंगे ज़्यादा तो बहुत आपका पेड़ बड़ा अच्छा सा घना सा हरी पत्तियों के साथ हो जाएगा, पर फिर है ना कई बार ऐसा होता है कि उसमें फ्रूट्स उतने नहीं आ पाते। ज़मीन की तो खैर बात अलग है, गमलों में थोड़ी सी हमारी लिमिटेशंस तो होती ही हैं, तो इस हिसाब से इसको पोटाश वाली जो खाद है ना वो बहुत पसंद आती है, और उससे क्या है इसके फ्रूट भी बहुत मीठा होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सीवीड अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा है। फिश फर्टिलाइज़र बड़ा अच्छा होता है, वो अगर आप नीचे मिट्टी में भी डाल देते हैं, स्प्रे नहीं करना चाहें तो उससे भी फ्रूट्स बड़े मीठे होते हैं उसके। तो खाद और हैवी फीडर होता है बहुत अमरूद, तो खाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि महीने में एक बार तो बहुत अच्छे से इसको दें ही दें, अदरवाइज़ दो बार भी देंगे तो चलेगा सर्दियों के टाइम में और नॉर्मल सीज़न में। तो एक बार मैं लिक्विड देती हूँ और एक बार मैं वर्मी कंपोस्ट दे देती हूँ, तो अच्छा हैवी फीडर होता है अमरूद, क्योंकि फ्रूट प्रोड्यूस करने वाले पेड़ थोड़ा सा खाद ज़्यादा मांगते ही हैं। और बस और तो पानी इसको है ना, अमरूद को हमेशा आप डीप वाटरिंग करें तो ज़्यादा बेटर है। ज़मीन में तो खैर बहुत ही अच्छे से डीप वाटरिंग कर सकते हैं आप हफ्ते में एक बार या दो बार, गमलों में थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर आपने थोड़ा छोटा 18 इंच तक के गमले में भी लगाया हुआ है तो पानी तो मांगता ही है अमरूद, तो फिर तो आपको रोज़ ही देना पड़ेगा सर्दियों को छोड़ के। बस अदरवाइज़ क्या होता है कि एक हफ्ते में एक या दो बार इसको पूरा पानी से भरें और वो बहुत अच्छा पसंद आती है इसको, वो डीप वाटरिंग अगर आप करेंगे तो डीप वाटरिंग करें इसमें। और गमला है और बहुत तेज़ गर्मी है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, रोज़ ही देना पड़ता है फिर तो पानी। और धूप इसको पूरा दिन की अच्छी पसंद है बहुत, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अमरूद बहुत अच्छे चलते हैं धूप में। मैंने कहा जैसे कि बहुत वन ऑफ द मोस्ट हार्डीस्ट प्लांट जो है उनमें से एक है अमरूद, रोग वोग इसमें कोई नहीं लगता कभी भी। बस ज़्यादा से ज़्यादा फंगस, अगर आपका छाया मिट्टी पे छाया ही पड़ रही है लगातार तो फंगस ही फंगस लगती है इसमें ज़्यादातर, और कुछ भी नहीं लगता। और अगर बीमार होता है आपका पेड़ तो बैक्टीरिया जनित रोग और वायरस जनित रोग ही लगते हैं बस इसमें, और उसका मेरे हिसाब से तो कोई इलाज नहीं होता। भले ही से आप अपना पेड़ बचा लें पर उसके बाद भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती है उसमें, मैंने देखा है इसे। तो वायरस और बैक्टीरिया अगर आपके पेड़ में आया है तो उसके बाद थोड़ा सा सेव करना इसको मुश्किल हो जाता है। फिर आप चलाते रहो भले ही से पेड़ पर, मैंने एक दो बार नोटिस किया है इस चीज़ को कि बहुत अच्छे फ्रूट्स नहीं देते वो, तो इसका बस ध्यान रखना होता है इसमें वायरस का और बैक्टीरिया का। अच्छी स्वस्थ कंडीशंस दें, धूप अच्छा मिले पौधे को तो ये बहुत अच्छे से चलता रहता है। मैं तो स्प्रे भी नहीं करती नीम ऑयल का भी बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो बस है ना, अगर मेरी बॉटल में बच गया है तो कभी कभार मैं कर देती हूँ, नहीं तो इसको वो स्प्रे नीम ऑयल स्प्रे अगर करते रहें तो वैसे ठीक होता है, पर इतना बड़ा हो जाता है पेड़ कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि पूरी तरह से स्प्रे करें उसमें। तो एक अच्छी कंडीशन में अगर आप इसको लगाएंगे तो बहुत ही स्वस्थ और है ना पूरी तरह से ऑर्गेनिक फ्रूट आपको है ना जो हाथ में आएगा, और बहुत ही खुशी होती है जब अपने घर का अमरूद आप तोड़ के खा रहे होते हो। और एंटीऑक्सीडेंट्स से अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें इसमें तो भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं अमरूद में, और रोज़ एक अमरूद खाना तो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ होती है अगर आपके घर से मिल रहे हो तो। और ये देखिए ये मेरा 15 साल से भी पुराना पेड़ है जिसको मैंने पिछले साल बिल्कुल काट दिया था क्योंकि फ्रूटिंग नहीं हो रही थी इसमें, और देखो आप बिल्कुल मैंने इसको काट दिया था, पर बारिशों में ये अपने आप ही 4-5 महीने से कटा हुआ था उसके बाद भी है ना फिर से फूट आया है ये। तो अब मैं इसको थोड़ा सा, ये देखो आप मैंने 22 इंच के गमले में इसको लगाया हुआ है और थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा रही हूँ कि देखते हैं अब नया फ्रूट आए तो क्या पता फ्रूट्स दे दे, और नहीं देगा तो फिर पूरी तरह से हटा देंगे हम इसको। तो ये 3 मेरे पास पेड़ हैं, एक मैंने रेड वाला अमरूद का क्योंकि उसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं तो मैंने ना उसको नया लगाया है। तो पानी, तो सारी बातें जैसा कि हम लोग कर ही चुके हैं, पानी खाद रोशनी दवाइयाँ केयरिंग की, तो बस आप भी अब जल्दी से अपनी छत पे एक अमरूद का पेड़ लगा लीजिए और बहुत ही अच्छे से आप उसमें अमरूद पाइए जिससे कि आप अपने परिवार को एक बढ़िया न्यूट्रिशन दे सकें, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन दे सकें बिल्कुल। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को और हैप्पी न्यू ईयर।